Hello everyone, welcome to Pyramid Eyes. Today we are going to discuss about class 10. मतलब ये हमारा आज 180 to 200 question discussion कर रहे हैं, जो कि prelims 2023 के लिए most important है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले आप Pyramid Eyes के साथ जुड़ सकते हैं. आप हमारे साथ अपना preparation को start कर सकते हैं and जो prepare already कर रहे हैं वो practice कर सकते हैं Pyramid के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले आप अगर ये चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. चलिए विदाउट डिले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज ए टाइप ऑफ क्रॉप बोथ यूज इन फूड एंड फोडर. फूड एंड फोडर में दोनों में यूज होता है, मतलब इंसान भी खाते हैं और चारा भी बनता है इसका. इट इज सोन ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग सम ऑफ एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड इन इंडिया. इट इज ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन. बोथ खरीफ एंड रबी सीजन में ये होता है. फिर इट रिक्वायर 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको. एंड ग्लोबली इट इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स. क्वीन ऑफ सीरियल्स भी से कहते हैं. किसके बारे में यहाँ पे कहा गया है? ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेज के बारे में यहाँ पे कहा गया है. आप देख सकते हैं मेज का टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस हाई रेनफॉल एरिया में चाहिए. ओलुवियल सॉइल में ये अच्छा होता है. एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. इंडिया क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड एंड फोर्थ लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया. फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन. फिर ये बोथ फूड एंड फोडर में यूज होता है. फिर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन मेज इंडिया ने लॉन्च किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप में आते हैं. फिर बाकी स्टेट भी आ जाते हैं. यहाँ पे वही मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज हाई रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली इम्प्लीकेशंस. मतलब जो स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. ये डिक्रीज इन डिपॉजिट्स बाई रेट्स बाई बैंक्स, इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, इम्प्रूव्स मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन व्हेन आरबीआई रिड्यूस रेपो रेट्स. पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम कितने टाइप के होते हैं. जैसे कि क्या क्या है, पोस्टल डिपॉजिट स्कीम है. जैसे कि आप पोस्टल में मंथली अकाउंट खोल सकते हैं, अपना रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं. फिर सेविंग्स सर्टिफिकेट लाइक नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र जो होता है. फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए है, पीपीएफ एंड सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए भी सेविंग्स भी आता है. ये सारे स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आते हैं. ये न्यूज में क्यों है, एमिड रेजिंग यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी द गवर्नमेंट रिसेंटली हाइक द इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है. इम्प्लीकेशन क्या क्या इनका है. पहला इम्प्लीकेशन तो है द रेट इंक्रीज ऑन सम स्मॉल सेविंग स्कीम कुड मेक इट टफर फॉर बैंक्स टू रेज डिपॉजिट एंड कंपेल देम टू राइज रेट. मतलब ये बैंक को कंपेल कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट रेट राइज करने के लिए. एंड इफ स्मॉल सेविंग्स रेट आर हाई, कमर्शियल बैंक हैव टू कीप डिपॉजिट रेट कॉम्पिटेटिव. फिर द एम ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम इज टू सपोर्ट द सोशल सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड. मतलब ये हाउस होल्ड के सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है. यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मतलब 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं पिरामिड आइस में जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल, रिविजन नोट्स, प्रिपरेशन विथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सारे आपको मिल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. WNO वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. ये UNEP का इनिशिएटिव है क्या? नहीं, ये UNEP का इनिशिएटिव नहीं है. ऑप्शन 1 गलत हो जाता है. ऑप्शन 1 गलत होते ही यहाँ पे आपको आंसर मिल गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर. इंडिया इसका मेंबर नहीं है एंड इट फोकस ऑन प्रमोटिंग एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी में इसका ज़्यादा फोकस रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल
इंटर गवर्नमेंटल WNO ट्रीटी में इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था, May 1, 2014 में, एंड इंडिया इज नॉट ए मेंबर। ये प्राइमरीली एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यू से डील करने के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट इंडिया द भाग एंड हिरण्य रिफर टू, भाग और हिरण्य क्या है एंशिएंट इंडिया में, तो ये एक्चुअल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स है। कौन इशू किया था, हर्षवर्धन, जो कि 590 CE टू 647 CE तक रूल कर रहे थे। उनका डायनेस्टी कौन सा डायनेस्टी था, पुष्यभूति डायनेस्टी के वो रूलर थे। उन्होंने अपना जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स सिस्टम को तीन टाइप का टैक्स वो कलेक्ट करते थे, एक है भाग, एक है हिरण्य, एक है बलि। तो भाग जो था वो क्या होता था, पेड इन काइंड, मतलब ये एक लैंड टैक्स है, और ये जो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस है उसी को ये अपना भाग उसमें लेते थे। फिर हिरण्य ये कैश में देते हैं टैक्स, ये काइंड में देते हैं, मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आप 1/6 देना पड़ेगा आपको। फिर ये जो हिरण्य है ये पैसे में आपको देना पड़ेगा कन्वर्ट करके कैश। बच्चों पिरामिड क्लासेस आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन करवाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। नीचे दिए गए नंबर 9777040608 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही एंजॉय कमांड अथॉरिटी ओवर ऑल द 3 फोर्सेस नेमली आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, नहीं वो कमांड अथॉरिटी नहीं करते। ही इज द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यस ये ऑप्शन 2 सही है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, 2 ओनली इज करेक्ट आंसर। न्यूज में क्यों है, अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा जो कि जनरल अनिल चौहान है, ये क्या हुए हैं, हमारे न्यू CDS, सेकेंड CDS अपॉइंट हुए हैं। वो क्या है, सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में। फिर हिज कोर फंक्शन विल बी फोस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन, मतलब ये जो तीनों विंग यहाँ पे है आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ये इनको कमांड नहीं करते, ये इनमें कोऑर्डिनेट करवाते हैं, कमांड की जगह यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवाते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं, इट इज सिद द CDS विल बी सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, उनका क्या क्या काम है वो दिया गया है। ही विल परफॉर्म द एडवाइजर रोल इन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड जो अथॉरिटी है इंडिया में उसके भी एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजल टैक्स, एंजल टैक्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, एंजल टैक्स इज लेविड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्राइस दैट एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू, यस पॉइंट नंबर 1 सही है। जो अनलिस्टेड कंपनी है जैसे कि स्टार्टअप वगैरह हो गए, इनको ये फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं। रिसेंटली इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन ए स्टार्टअप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एंजल टैक्स, एक्सक्लूड नहीं ये इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। जो रिसेंट फाइनेंशियल बिल 2020 में प्रपोज किया गया है उसमें जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है फॉरेन, उनको भी टैक्स एम्बिट में लाया गया है। एंजल टैक्स क्या है पहले देखते हैं। एंजल टैक्स इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर द इनकम टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज बाय अनलिस्टेड कंपनीज वाया द इशू ऑफ शेयर्स वेयर द शेयर प्राइस इज सीन एक्सेस और एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है और वो अभी सेबी के साथ लिस्टेड नहीं है, बट उसको अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट ले आएगा बाहर की कंपनी से, या कोई इंडियन डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, उन्हीं जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। वो उनको शेयर प्रोवाइड करवाते हैं जो कि, और वो शेयर का वैल्यू बहुत हाई रहता है, मार्केट रेट से बहुत हाई रहता है। तो जो एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि शेयर का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है, बट वो एक शेयर को 1000 में खरीदे, तो 900 जो होगा उसमें उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा और उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये टैक्स कब से लागू होगा, ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा, इस साल से लागू नहीं होगा, आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वास
क्वासी क्रिस्टल, क्वासी क्रिस्टल क्या है पहले देख लेते हैं, क्वासी क्रिस्टल क्या है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू टाइप ऑफ क्वासी क्रिस्टल इन सैंड हिल्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल नेब्रास्का यूएसए। यूएसए में एक नया क्वासी क्रिस्टल डेवलप किया, मतलब डिस्कवर किया गया है। क्वासी क्रिस्टल इज एसेंशियली ए क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस, ये क्रिस्टल है। हाउएवर अनलाइक क्रिस्टल इन व्हिच एटम्स आर अरेंज्ड इन रिपीटिंग पैटर्न, ए क्वासी क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स दैट आर अरेंज्ड इन पैटर्न दैट डजंट रिपीट इटसेल्फ रेगुलरली। मतलब ये जो क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में पैटर्न रिपीट होता रहता है, बट क्वासी क्रिस्टल में ये पैटर्न रिपीट नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम 1982 में डिस्कवर किया गया था, एंड ये नेचुरल भी मिलता है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है दे डोंट ओकर नेचुरली एंड प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लैबोरेटरी, नहीं ये लैबोरेटरी में प्रोड्यूस होते हैं प्लस नेचर में भी मिलते हैं। तो ऑप्शन टू गलत हो जाएगा, ऑप्शन टू गलत होते ही हमारा आंसर सी यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 विथ रेफरेंस टू सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स शेड्यूल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1 टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द डिफरेंट ट्राइब्स द गवर्नर हैज द पावर टू डिवाइड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इनटू ऑटोनॉमस रीजंस, यस ये सही है, गवर्नर के पास वो पावर है। पॉइंट नंबर 2 ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल इज ए बॉडी कॉर्पोरेटेड विथ व्हिच कैन स्यू और बी स्यूड, यस अगर वो बॉडी के नाम पे आप केस कर सकते हैं या बॉडी आप पे केस कर सकता है। देयर आर बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर इन द डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल, ये भी सही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं सिक्स शेड्यूल में कौन कौन स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, चार स्टेट आते हैं सिक्स शेड्यूल में। ये मेनली ट्राइबल एरिया को ज्यादा फोकस करने के लिए जो ट्राइब्स है उनको देता है आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 में इसका मेंशन है। एंड यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि तीनों पॉइंट इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विथ रेफरेंस टू मार्च, ये मार्च क्या है, एक फोक थिएटर है, किस स्टेट से है। पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश से है। सेकेंड पॉइंट इट इज इन दिस थिएटर फॉर्म सॉन्ग्स आर गिवन प्रोमिनेंस इन बिटवीन डायलॉग्स, यस डायलॉग और सॉन्ग मिक्स करके यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का है। मार्च इज परफॉर्म अराउंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली, ये होली के टाइम में एक्चुअल परफॉर्म होता है एंड लोकल कम्युनिटीज इसको परफॉर्म करते हैं मार्च। इन दिस थिएटर फॉर्म सॉन्ग्स आर गिवन प्रोमिनेंस इन बिटवीन डायलॉग्स, मतलब डायलॉग के बीच में सॉन्ग्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड है कहाँ से, ख्याल फोक थिएटर जो राजस्थान में है उसी से इंस्पायर्ड है या उसी से रिलेटेड है ये मार्च। क्वेश्चन नंबर 10 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3% क्लब, 3% क्लब क्या है, चलिए देख लेते हैं 3% क्लब क्या है। 3% क्लब यहाँ पे आप देख सकते हैं इज ए कोअलिशन ऑफ कंट्रीज और बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन वर्क टू पुट प्लेस एम्बिशियस पॉलिसीज टू हेल्प ड्राइव 3% ऑफ एनुअल ग्लोबल इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी, ये एनर्जी एफिशिएंसी में के लिए काम करता है, एनर्जी एफिशिएंसी। स्टार्टेड इन 2019 3% क्लब ब्रिंग्स टुगेदर 15 गवर्नमेंट कौन कौन से गवर्नमेंट है, जो कि अर्जेंटीना, कोलंबिया, डेनमार्क, इस्तोनिया, इथियोपिया, घाना, होंडुरस, हंगरी, इंडिया, इजराइल, इटली, केनिया, पुर्तगाल, सेनेगल एंड यूके यहाँ के मेंबर है, एंड 13 बिजनेस ग्रुप्स है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 द स्टॉक एक्सचेंज रूट, ये स्टॉक एक्सचेंज रूट जो न्यूज में है ये क्यों न्यूज में है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बाय बैक शेयर। देखिए क्यों न्यूज में है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी हैज डिसाइडेड टू फेज आउट द बाय बैक ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज थ्रू एक्सचेंज रूट विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। सेबी क्या कर रहा है, अभी जो एक्सचेंज रूट है उससे ये बाय बैक ऑफ शेयर को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, कब से वो बंद होगा, अप्रैल 1, 2025 से। क्यों कर रहा है, द रेगुलेटर फेवर्स द रीपर्चेज ऑफ शेयर्स,
बाय कंपनीज फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब अभी जो ये जो स्टॉक एक्सचेंज रूट है इसमें क्या होता है, इसमें पहले देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स ओनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। मतलब जो एंड द बाय बैक ऑफ शेयर्स इज मेड ओनली थ्रू द ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म। मतलब मान लीजिए मुझे कुछ शेयर खरीदना है एंड आपको कुछ शेयर बेचना है, अब अगर ये ऑर्डर मैच हो गया तो ही ये डील हो सकता था पहले, अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जा रहा है। कई की मिस्त्री कमिटी फॉर्मेशन हुआ था, सेबी ने किया था और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि बाय बैक ऑफ शेयर को रिपील कर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 12, हॉक पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कौन सा स्टेट में क्या है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, मेरा तो गलत हो गया। सोहरा पेंटिंग, सोहरा पेंटिंग उड़ीसा का है, पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग गुजरात का है। ओनली वन पेयर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग आज ओरिजिनल इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, यहाँ पे डिफरेंट नेचुरल कलर को यूज करके पेंटिंग करते हैं। फिर पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग पेंटेड बाई भील्स जो कम्युनिटी है, पंचमहल रीजन इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश रीजन में ये होता है पिथौरा पेंटिंग। फिर सोहरा पेंटिंग जो कि ईस्टर्न इंडिया में प्राइमरीली उड़ीसा में होता है, ए टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग डन बाय द सोहरा ट्राइब। ये ट्राइब का नाम याद रख सकते हैं आप, सोहरा ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सोहरा आर्ट इज मेड ऑन रेड ब्राउनी क्ले वॉल्स ऑफ द हाउस। मतलब ये जो मिट्टी के जो दीवार होते हैं उसी दीवार पे ये क्या करते हैं, ये सोहरा पेंटिंग करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कलर्स एंड डाई यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो होता है, EIA कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले ये नेसेसरी होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा है कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये स्क्रीनिंग किया जाता है, स्कोपिंग किया जाता है, बेस लाइन डाटा कलेक्शन, इम्पैक्ट रिडक्शन, चारों किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये चार के साथ और बहुत सारे मेथड यहाँ पे यूज होते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेस लाइन डाटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, पब्लिक हियरिंग्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड क्लियरेंस। ये सारे प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, उसके बाद ही जाके कोई प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है। ये लास्ट में ये अप्रूवल मिल जाता है, डिसीजन मेकिंग में अप्रूवल मिल जाता है, यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। मान लीजिए आप कोई कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं, पहले तो स्क्रीनिंग होगा कि उसका EIA चाहिए या नहीं, उसी प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहा जाता है। फिर स्कोपिंग, क्या स्कोप है वो देखा जाएगा। फिर ग्राउंड लेवल में जाके डाटा कलेक्शन किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे जाकर डाटा कलेक्शन किया जाए। फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, बोथ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों प्रेडिक्ट किया जाएगा। एंड अगर कोई उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है तो क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं, ये पहले फिर चेक किया जाएगा। इतना करने के बाद फिर पब्लिक हियरिंग में जाएगा, जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ के होंगे उनसे कंसल्ट किया जाएगा, अगर वो फिर मतलब वो प्रोजेक्ट के बारे में उनको अवेयर किया जाएगा। फिर ये चला जाएगा अब मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री के पास जाएगा, वहाँ पे ये अगर अप्रूव हो गया तो ये अप्रूवल हो जाएगा। बट इसके बाद भी, अप्रूवल के बाद भी काम खत्म नहीं होता है, जो फिर उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये जो क्लियरेंस किए हैं उसमें जो हम लोग प्रेडिक्ट यहाँ पे किए थे वो हो रहा है या नहीं, सही से काम हो रहा है या नहीं, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनिंग क्या है, स्कोपिंग क्या है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, ये सब मैं यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। नंबर 1, इन ए माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट हैंड्स ओवर कंट्रोल टू द अक्वायरिंग एंटिटी बट रिटेन सम स्टेक इन इट। नहीं, माइनॉरिटी सेल में क्या होता है, गवर्नमेंट हैंड्स ओवर कंट्रोल हैंड ओवर नहीं करते, ये पॉइंट 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, 1 गलत हो गया। द प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी यूज टू फिनेंस द फिस्कल डेफिसिट। नहीं यूज कर सकते, क्यों भाई नहीं कर सकते, पैसा आएगा सरकार के पास, सरकार जो चाहे कर सकता है, ये भी गलत हो गया। नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोसीजर। नहीं, नीति आयोग नहीं, दीपम एक स्पेशल डिपार्टमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी,
इज द राइट आंसर नोन। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। आप देख सकते हैं क्यू न्यूज में है, इन यूनियन बजट 2023-24 द गवर्नमेंट हैज सेट ए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ रुपीज 51,000 करोड़ डाउन नियरली 21%। मतलब पिछले बजट में जितना टारगेट किया था उससे 21% डाउन में ही इस बार मतलब उसे कम टारगेट किया है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स असेट्स और ए सब्सिडियरी सच एज सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो कोई गवर्नमेंट का असेट रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का कोई पीएसयू हो गया, पीएसयू या पीएसई गवर्नमेंट का जो कोई भी है, अगर उसमें उसको बेचकर गवर्नमेंट कुछ पैसा ला रहा है तो उसी प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट क्या करता है, 51% शेयर अपने पास रखता है ताकि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का कंट्रोल ना जाए, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रखे, प्राइवेट एंटिटी के पास ना जाए। फिर मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल चला जाता है प्राइवेट एंटिटी के पास, बट फिर भी मेजोरिटी शेयर रहता है 49% या उससे कम शेयर रहता है। फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, मतलब 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा कुछ किसके पास चला जाएगा, सारा कुछ प्राइवेट एंटिटी के पास चला जाएगा, ये अब प्राइवेट कंपनी बन गया। फिर द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सेपरेटेड डिपार्टमेंट फॉर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डीपम, जो जिसे हम कहते हैं डीपम का फॉर्मेशन किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ए नंबर ऑफ स्मॉल आइडलैंड डेवलपिंग कंट्रीज रिसेंटली एग्रीड फ्रॉम ए कोअलिशन ऑफ नेचर इन 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सीबीडी है, उसमें स्मॉल आइडलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो कौन कौन इसमें पैसिफिक ओशन में है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में कौन कौन आ जाएंगे, किरीबाती आ जाएगा, फिर सोलोमन आइलैंड आ जाएगा, 2-4 आ जाएंगे, 2-4 कहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीट्स जो है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स इज 38 मेंबर इनमें है, और ये क्या है 20 नॉन यूएन मेंबर इसका एसोसिएट भी है। द थ्री जियोग्राफिकल रीजन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, द कैरेबियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं किरीबाती सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है, उसका कैपिटल क्या है, कैपिटल है तरावा। वनुआतु ये कहाँ पे है, ये भी साउथ पैसिफिक ओशन में है, कैपिटल पोर्ट विला। सोलोमन आइलैंड ये भी नॉर्थ साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, कैपिटल है हनेयोरा। फिर बाकी आप देख सकते हैं कोमोरोस जो कि इंडियन ओशन में है, बाकी ये सेंट लुसिका एंड काबो वर्डे ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। मैप में आप इसे देख सकते हैं, ये है सोलोमन आइलैंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका किरीबाती, ये पास में किरीबाती आ जाएगा, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड बाकी आप मैप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डेनकली इन द कंट्री मीडिया वेलर, डेनकली क्या है, डेनकली ये एक वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इसका मैं पिक्चर ही दिखा देता हूँ, ये है डेनकली, यहाँ पे पीछे देखिए एक वजन रहता है और आगे ऐसे पानी हम इसको डुबाते हैं और पानी और खींचना नहीं पड़ता, ये जो प्रेशर रहता है ये इसको खींच के ऊपर उठा लेता है। मीडिया वेल टाइम में ये लिफ्ट इरिगेशन का एग्जांपल है, लिफ्ट इरिगेशन का एक एग्जांपल है जो कि मीडिया वेल टाइम में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लाइकली इफेक्ट द राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड इन इंडियन इकोनॉमी। जो यूएस ने अपना बॉन्ड मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट राइज किया, इंटरेस्ट रेट अपना यूएसए ने बढ़ाया, उसी से बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। तो ये क्या क्या, इंक्रीज इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, नहीं इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। आप सभी को पता होगा कैसे जितने सारे इन्वेस्टर थे वो इंडिया से मनी पुल आउट करके यूएसए में इन्वेस्ट करने लगे। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, यस डेप्रिसिएट हो गया इंडियन करेंसी। डिक्लाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिक्लाइन नहीं हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस बॉन्ड इन इंडियन इकोनॉमी, डिक्रीज इन फॉर
decrease flow of investment, depreciation of rupees, increase in inflation, driving up domestic borrowings. ये सारे इसके implications हैं. Question number 18. Croconi. Croconi क्या है? Croconi chromium, cobalt, निकेल, तीन एलिमेंट है तो पॉइंट वन सही हो जाएगा. इट इज द टफेस्ट नोन अलॉय दैट बिकम्स टफर इन कोल्ड टेम्परेचर. ये सबसे टफेस्ट एलिमेंट है. एंड इट्स हैज एप्लीकेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्रायोजेनिक कैरियर्स एंड सुपर कंडक्टर. यस, ये भी सही है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्रोकोनी, क्रोकोनी के बारे में यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन है. कहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है? लॉरेंस ब्रेकली नेशनल लेबोरेटरी एंड ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में ये क्या हुआ है इसको डिस्कवर किया गया है. फिर क्रोकोनी इज ए इक्वल मिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट, मतलब इसमें क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल इक्वल अमाउंट में मिक्स किया गया है. एंड ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूज होता है क्योंकि ये बहुत टफेस्ट मेटेरियल है. क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी अपेलाइट ट्रिब्यूनल सैट. सिक्योरिटी अपेलाइट ट्रिब्यूनल जो इंडिया में है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. इट हियर्स एंड डिस्पोज द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यस, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे. ऑप्शन सी सही हो जाएगा राइट आंसर. ये सेबी एक्ट जो है 1992 में सैट को बनाया गया था. एंड ये जो PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका भी अपील ये सुनते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 15K ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट इंडिया 1992 में ये सैट बनाया गया था. फिर ये 2014 में क्या हुआ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किया कि जो PFRDA है उसका भी हायर अपील कौन देखेंगे, सैट ही देखेंगे. एंड फिर बाद में जो इसके अलावा भी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नोटिफिकेशन, ये सब भी इसी में हायर अपील करते हैं. सैट कंसिस्ट ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स. इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं जो कि 5 साल के इलेक्ट होते हैं. एंड ये एक सिविल कोर्ट के पावर इनके पास रहता है. आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. नयनमार, जो कि नयनार है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है. कौन इनमें से नयनार है? नयनार कौन है आपको पता होगा, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. दो टाइप के डेवोटी थे, पहले अलवर थे जो कि लॉर्ड विष्णु को पूजा करते थे, एंड दूसरे टाइप थे नयनार जो कि लॉर्ड शिवा को पूजा करते थे. तो इनमें से कौन नयनार है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराईकल अमियार इनमें से नयनार है. बाकी तीनों देखिए, अभयार जो पॉइंट नंबर वन में था, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीन्स वाइल्ड वाइज ओल्ड वुमेन. तमिल हिस्ट्री में 3 वाइज ओल्ड मैन के बारे में मेंशन किया गया है. ये संगम एज से मेनली बिलोंग करते थे. संगम एज में ये 3 जो वाइज वुमेन थे ये उसी एज को बिलोंग करते थे. फिर अंडल ओनली फीमेल अलवर, ये एक अलवर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडल अलवर है जो कि 12 अलवर थे उनमें से एक अंडल थे. फिर कराईकल अमियार इज वन ऑफ द 3 फीमेल सेंट अमंग 63 नयनार जो थे उनमें से कराईकल अमियार एक जो कि वुमेन थे. ये चारों वुमेन है. और कन्नगी जो शिलापति क्रम में कोवलम और कन्नगी का स्टोरी है उसी से कन्नगी आई है. ये शिलापति क्रम ये भी किस टाइम में है, संगम टाइम पीरियड में लिखा गया था. इलांगो अधिगल इसके राइटर थे संगम पीरियड में. इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है. एंड आज हम यहाँ पे 200 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो चुका है. आगे हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस फॉर प्री
2023। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे सारे फीचर्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एंड हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी, एनसीईआरटी क्लासेस, योजना मैगजीन्स, एमसीक्यू मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज मिल जाते हैं। हमारा एनसीईआरटी बैच भी चालू है, 9777040608 को कॉन्टैक्ट करके आप हमारे एनसीईआरटी जो फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए या कोई अदर डिटेल्स अगर चाहिए तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एंड क्लास नोटिफिकेशन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।